Dear students, today we are going to see a new chapter. That is chapter number 8. Singular and plural. आज हम क्या सीखेंगे? Singular and plural. Singular किसे कहते हैं और plural किसे कहते हैं? Okay, okay. अब देखते हैं. अगर आपके घर में आप देखते हैं आपके घर में फ्रिज होगा. Okay, फ्रिज के अंदर अगर एक एप्पल पड़ा हुआ है तो आप क्या बोलेंगे? One apple. अगर आपके घर में फ्रिज है या फ्रिज नहीं भी है, अगर आप घर में तीन एप्पल पड़े हुए हैं, थ्री एप्पल्स हैं, तो आप क्या बोलेंगे? एप्पल्स. क्या बोलेंगे? एप्पल्स. यानी कि यही आज हम सीखेंगे कि सिंगुलर किसे कहते हैं और प्लूरल किसे कहते हैं. ओके, जब हम बात करते हैं सिंगुलर की, सिंगुलर में क्या होता है? एक. कोई भी एक चीज को हम क्या कहते हैं? सिंगुलर. ओके, एक लड़का है, बॉय, सिंगुलर. एक एप्पल है, एप्पल, वन एप्पल, सिंगुलर. एक से ज्यादा लड़के हैं, बॉयज, प्लूरल. एप्पल्स. ओके, तो क्या होता है? प्लूरल. यानी प्लूरल मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा. और सिंगुलर मतलब क्या होता है? एक. तो आज भी हम सीखेंगे वन बर्ड, फाइव बर्ड. देखो वन बर्ड मतलब क्या है? सिंगुलर. फाइव बर्ड मतलब क्या है? एक से ज्यादा बर्ड. क्या हो जाएगा? प्लूरल. ओके, एप्पल. एक एप्पल को क्या बोलेंगे? एप्पल, वन एप्पल. तो क्या है? सिंगुलर. क्या हो गया आपका? सिंगुलर. और एक से ज्यादा एप्पल्स हैं, टू एप्पल्स क्या बोलेंगे? प्लूरल हो जाएगा. एप्पल्स. देखिए यहाँ पे बर्ड है, बर्ड्स एस लगा दिया मैंने, तो प्लूरल बन गया. यहाँ पे एप्पल है, एप्पल्स एस जोड़ दिया, प्लूरल हो गया, टू एप्पल्स. ओके, तो सिंगुलर में क्या होता है? एक. और प्लूरल में क्या होता है? एक से ज्यादा. ओके, उसका बोलते हैं प्लूरल. देखिए यहाँ पे बॉय सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल हो गया. स्टार सिंगुलर है, स्टार्स क्या हो गया आपका? प्लूरल हो गया. टूथ, टूथ किसे कहते हैं? आपके मुंह में एक दांत है तो क्या बोलेंगे? टूथ. यानी कि एक ही दांत है. छोटा बच्चा होता है, उसके मुंह में एक दांत आ जाता है, बोलते हैं टूथ. अगर एक छोटा बच्चा, उसके मुंह में बहुत सारे दांत आ गए, तो क्या बोलेंगे? टीथ. ओके, तो ये टूथ क्या है आपका? सिंगुलर. और टूथ क्या है आपका? सिंगुलर. और टीथ क्या है आपका? प्लूरल. ओके, तो आप लोगों के बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं, तो उसको आप बढ़िया से अच्छे से करिए, सॉल्व भाई बढ़िया सीखिए, अच्छे से करिए और आगे बढ़िए.